अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाएंगे रशियन सैलेड प्लेटर। वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन दबाने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले मिलेंगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप मेयोनीज़ ले लिया है। अब क्रीम ऐड करेंगे 1/2 पैकेट। मस्टर्ड ऐड करेंगे 3-4 ड्रॉप्स। पेरी पेरी सॉस ऐड करेंगे, यहाँ पे आप पाउडर भी डाल सकते हैं 1 पिंच। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। एक टेबल स्पून मिल्क ऐड करेंगे, 3 टेबल स्पून शुगर, 1/2 टेबल स्पून शुगर मिक्स कर लेंगे और ब्लैक पेपर ऐड करेंगे हस्ब जायका। अब अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लीजिए, सॉस हमारा तैयार है। जब तक हम इसको फ्रिज में रखेंगे और बाकी की चीज़ें तैयार कर लेंगे। कंसिस्टेंसी इसकी इतनी रनी नहीं रखेंगे, इस तरह से होनी चाहिए। 4 से 5 पीसेस पोटैटो मैंने बॉईल कर लिए थे, क्यूब्स में कट कर लिया था। चाट मसाला ऐड करेंगे हस्ब जायका, यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया है। अब इमली की चटनी ऐड कर रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप इसमें इमली का पल्प भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और देखें, पोटैटो सैलेड भी हमारी तैयार है। पोटैटो सैलेड को भी हम फ्रिज में रख देंगे और बाकी सैलेड तैयार करेंगे। चने मैंने 1/2 कप बॉईल कर लिए थे बेकिंग सोडा डाल के। एक दरमियानी ऑनियन भी कट कर ली थी मैंने स्लाइस में, ऐड कर लेंगे। आप लोगों को जितनी पसंद है उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। इमली की चटनी या इमली का पल्प ऐड करेंगे। चलें अब इन सबको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये वाली सैलेड भी हमारी तैयार है। चलें अब इसको भी हम फ्रिज में रख देंगे ताकि जब तक हमारी सैलेड तैयार हो बाकी चीज़ें ठंडी हो जाएं। चलें अब जो हमने सॉस बनाया था वो ले लेंगे। यहाँ मेरे पास छोटी पर्पल कैबेज है, क्यूकम्बर है। आप कोई सी भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। चलें अब इन सबको ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास कुछ ऑलिव्स भी हैं, वो मैं ऐड कर रही हूँ। फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। लीजिए, वेजिटेबल सैलेड भी तैयार है। इसको भी फ्रिज में रख देंगे। मैकरोनी सैलड तैयार करने के लिए हम यहाँ हॉट सॉस लेंगे 2 से 3 टेबल स्पून, विनेगर 1 टेबल स्पून, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, बारबेक्यू सॉस 1 टेबल स्पून, चिली केचप 2 or 3 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर एज मच एज यू वांट। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैकरोनी मैंने पहले से बॉईल कर ली थी 1/2 पैकेट। सॉस में ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून। फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये हमारी सैलेड मैकरोनी भी तैयार है। चलें अब ठंडी ठंडी सैलेड सर्व कर लेंगे। इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि आप हर सैलेड को अलग अलग तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। चलें अब एक और तरीका बताती चलूं। सारी सैलेड्स हम मिक्स कर लेंगे एक बड़े से बोल में, और जिस तरह से पिज्ज़ा में सैलेड आती है उसी तरह का टेस्ट आ जाएगा। इस तरह से जिस तरह मैं ऐड कर रही हूँ ऐड करते जाएंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मेरे पास ऑलिव्स हैं, मैं ऑलिव्स से टॉपिंग कर रही हूँ। और लीजिए हमारी रशियन सैलेड तैयार है। देखा कितने आराम से हमारा कलरफुल सा रशियन सैलेड बोल बन गया। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई YouTube चैनल। अल्लाह हाफिज़।